सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आपको एक ऐसा डिवाइस बनाने बताऊंगा जो कि देख करके आप भी बोलोगे क्या बात है। सबसे पहले तो इस डिवाइस के बारे में बता दूं, यह डिवाइस एक ऐसा डिवाइस बनने वाला है जिसके मदद से हम कोई से भी वायर वाले एयरफोन हेडफोन को ब्लूटूथ वाला बना सकते हैं। आप ब्लूटूथ में मोबाइल से कनेक्ट करके गाना बजा सकते हो और नहीं तो पेन ड्राइव भी लगा करके आप गाना सुन सकते हो। तो आइए गाइज, अब हम इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। इस डिवाइस को बनाने के लिए मैंने 3D प्रिंटर से एक बॉक्स को प्रिंट किया है। मैं सीख रहा था जिस कारण से बहुत सारे बॉक्स भी बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अब मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। तो ये बॉक्स बना लेने के बाद हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, उन सारे कंपोनेंट्स को मैं ले लेता हूँ। गाइज ये सारे रहे कंपोनेंट्स, इन सारे कंपोनेंट्स को हमें लेने हैं और इस सर्किट को मैं बनाने पहले भी बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई के बटन में भी अभी आ रहा है। गाइज चलिए अब इसके वायर्स को कनेक्ट करते हैं। गाइज ये 6 पिन वाला स्विच थोड़ा अजीब टाइप का है, तो इसको हमें कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। 4 पिन को एक साथ में, 2 पिन को इस तरह से कनेक्ट कर लेने के बाद यह हमारा SPST स्विच बन जाएगा। और इसे सोल्डर करने के बाद हमें एक बार कंटिन्यूटी भी चेक करके देख लेना है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह स्विच। उसके बाद हमें डुअल साइडेड टेप को चिपका लेना है इस बॉक्स में और उसमें हमें बैटरी को चिपका लेना है। गाइज ये नोकिया की पुरानी बैटरी है, इसी के डायमेंशन के अनुसार से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। इसे लगा लेने के बाद गाइज हमें इस बैटरी के चार्जिंग मॉड्यूल को लेना है और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को भी कनेक्ट कर लेना है इसमें। उसके बाद गाइज यहाँ से हमें एक आउटपुट का वायर कनेक्ट करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव का वायर हमारा स्विच से होते हुए जाएगा, तो स्विच का एक वायर मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से एक नेगेटिव वायर के लिए एक दूसरा वायर सोल्डर कर देता हूँ। नेक्स्ट में हमें स्विच और बैटरी चार्जर को फेविक्विक से चिपका लेना है। उसके बाद में गाइज हमें लेना है एक ब्लूटूथ रिसीवर का किट और उसमें ऑक्स केबल के वायर को कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं फीमेल ऑडियो जैक का यूज कर रहा हूँ और इसके वायर को ब्लूटूथ किट के आउटपुट वाले वायर में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद फीमेल USB जैक के वायर को कनेक्ट करना है। डेटा माइनस और डेटा प्लस के वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसके 5 वोल्ट VCC वाले वायर को कनेक्ट करके नेगेटिव वाले वायर को भी कनेक्ट कर देता हूँ। ये चारों वायर्स कनेक्ट हो गए USB फीमेल जैक के। और अब हमें गाइज इसमें पावर सप्लाई के वायर को कनेक्ट करना है। इस किट में पावर सप्लाई के वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। स्विच के दूसरे एंड वाले वायर को इसमें कनेक्ट करना है और दूसरा वाला ग्राउंड का वायर वो हमें 5 वोल्ट के नेगेटिव वाले वायर को कनेक्ट कर देना है। बस गाइज इसकी वायरिंग अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को हमें ग्लू स्टिक से चिपका लेना है। हल्के ग्लू स्टिक से चिपकाना, नहीं तो ये बॉक्स आपका पिघल जाएगा। तो मैं सारे को कुछ इस तरह से चिपका लेता हूँ और बहुत ही बढ़िया यह बैठ जाता है। अब इसके दूसरे साइड वाले कवर में भी थोड़ा सा ग्लू स्टिक लगा करके इसको लगा देता हूँ पूरा फाइनली। और इसको मैं थोड़ी देर चार्जिंग में लगा देता हूँ। बैटरी इसकी पूरी डाउन थी, तो थोड़ी देर चार्ज होने के बाद चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। इस ऑक्स केबल वाले गेमिंग हेडफोन को मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये ऑक्स केबल मैंने लगाया इसमें और माइक्रोफोन को मैं स्पीकर्स में लगा देता हूँ। उसके बाद देखिए मैंने स्विच को ऑन किया और चलिए इसमें अब मैं पेन ड्राइव को लगा देता हूँ। देखिए पेन ड्राइव को लगाने के बाद गाना कितना अच्छा इसमें बजने लगा। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं होगा उस टाइम भी आप इसको यूज कर सकते हो। गाइज अब मैं इसको मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गाना बजा करके दिखा देता हूँ। अगर आपके मोबाइल फ़ोन का ऑक्स केबल ख़राब है तब भी आप इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करके बजा सकते हो, बहुत ही अच्छा काम करता है। गाइज मेरे पास सेम प्रॉब्लम था, इसी के कारण से मैंने इस डिवाइस को बनाया है। तो देखिए ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाने के बाद अब मैं इसको एक अपना ही वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। ओके सो आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन, इफ यू डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन, ओके, एंड द पीपल्स डोंट अंडरस्टैंड यू एंड can't understand your guesser also, then what will you do? If I'm like, you know, in the middle of nowhere, but usually it doesn't happen. मूर्ति ने हाथ लगाओ नहीं, ये गुजराती शब्द है। इसका मतलब है कि मूर्ति को हाथ नहीं लगाएं। और ये जो रानी की वाव है, यह एक्चुअली में कुआं बनाया गया था यहाँ पे बहुत ही पुराने समय में। ये गाड़ी गई जिसके आगे बैठे हुए
तो गाइज कुछ इस तरह से आप भी अपने घर पे बना सकते हो, और अगर आपके पास 3D प्रिंटर नहीं है तो आप PVC पाइप का भी बना सकते हो। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन ईआर ग्रेज यूट्यूब चैनल।